राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एमकेएन से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक लेकर जाएंगे और जनसभा करेंगे। हुड्डा ने यूपी में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर के सवाल पर कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नहीं है, ये केवल ग्लोबल इवेंट समिट है। सरकार केवल जनता के पैसे से जनता को गुमराह करने का और गाड़ी कमाए लुटाने का काम कर रही है। हम राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएंगे, हर गांव में, हर कस्बे में। जो उन्होंने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत की राजनीति के खिलाफ जो बातें रखी हैं, उनको संदेश को लेकर जाएंगे। ये आज उत्तर प्रदेश और इस कैंपेन का नाम होगा कि हाथ से हाथ जोड़ो। भारत जोड़ो के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चलाएगी कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो। उस कार्यक्रम के बारे में हमने जानकारी लोगों को दी। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर हो रहा है, 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, ये कितने का हो रहा है ये अदानी से पूछो। कैसे देखते हैं 92 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए? जो इनका जो कह रहे हैं इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो रोजगार देने वाले इनके मेन आदमी थे वही बेरोजगारी की तरफ बढ़ गए। तो ये थे मेरे साथ दीपक हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट में हो रहा है अगर धरातल पर उतरेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि धरातल पर इन्वेस्टमेंट कितना उतरता है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।